हजरात, ये प्रोग्राम पाद एजेंसी जंग की तरफ से पेश किया जाता है। गाने वाले मुंशी खान है, मुलाजा कीजिए। नंबर दो में बोलनी मते फिकरे करे ओ बारे तारे मरी मैं धरती मो सोलूंगी ओ मते फिकरे करे बर तुम्हार मेरी मैं धरती कौन बात कहता मने तेरी बुझ बिना ना सता नू बोली मने तेरी बुझ बिना ना सता हर पति भरता के आसमार मरी मैं तेरी दिल का दागे तुम बोलूंगी जाने पति सती पैक कलिए समझ माल क्यों ले कलिए नू बोली समझ माल क्यों ले कलिए अरे गुण देख लिए वो अरे कमार मरी मैं तेरी सेवा करे मन बोलूंगी ये करूं कुसा मंद सुख न पाइए नू बोली तेरी करूंगी कुसा मंद सुख न पाइए मेरे मत गड़वाइए ओ सिंगार मरी मैं बहु संगले की हो लूंगी ओ मत फिकर करेंगे बरतमर लक्ष्मी चंद बात करे से छल से पिया तन क्या है की मुश्किल से मुँह बोली पिया जी तन क्या है की मुश्किल से हुए बालक संग तरंगार मरी मैं जली किस्मत में तुम लूंगी कर करेंगे बरतमार मरी मैं धरती में बोलूंगी ओ कलंगी महाराज शकरगंज की कोई जरूरत नहीं मैं जमीन में सो जाएंगी। अब लड़के का पक्की गति थी कि वापस नहीं जावागी। अब लड़का 10-12 साल का था वो 18-19 साल की थी तो उसका जोड़ नहीं था। अब शाम का टेम हो गया कलंगी महाराज कहाँ वो खान पीन का इंतजाम करे कलंगा रहो पागल की चौधरी तो मैं पहले को डमरी साधना चल रही मेरे पास कुछ नहीं खान पीन में कलंगी फिर तू जंगल में क्या काम करे अब मेरा कारोबार है बहुत बड़ा क्या कारोबार है तेरा हमारी बात सुन हाँ बोला रे कौन सुनेगा मेरे जिकर में लकड़िया की करण कर देरी मेरी गेरी रत पत हरण कर देरी मेरी गेरी रत पत हरण
किशर रे जाना आई दुनिया किशन कर रे जाना आई दुनिया माए और खाना आई दुनिया डरता मरता बरता चंद्राई गरने कर देरी मेरी गेरी पते हरने खरे चंगा चंगा मेरे लिया खरे चंगा चंगा मेरे लिया बांदे जूड़े सिरे डर लिया बार का छोटा कोटार जो का देरनी कर देरी मेरी गेरी गुरी चोटी की रोन रे मेरा दुख में कहीं कौन रे चलवाई बाई पाई रन माधो पूरन कर देरी मेरी गेरी हरन लक्ष्मी चंद कहीं महाराज का तेरे पास को खान पीन नहीं अग नहीं अच्छा कहा अब वो लड़की जिस वक्त हमने घर से निकली थी सब हार श्रृंगार बादशाह ने तार लिया था उसका अब कुदरत का हुक्म था उसके पास कोई चीज थी ये वो न सोची जब तू अपने मालक से धोखा करेगी तो खुदा के घर में बख्शी जाएगी अब रोक है उसके सामने क्या कहती बोली शिश झुका के बाल मकी मन तन की उपाक साई देख लिया की तेजा के लिखन कांगन मेरी जान से ओन कांगन मेरी जान से बिना बोली शिश झुका के बाल मकी मन तन की उपाक साई देख ली की तेजा के लिखन कांगन मेरी जान मेरी जान से प्रेम की से मन लाज सेवाओ करके बोलू दामद करे प्रेम की से मन लाज सेवाओ करके बोलू दाद कौन बाग गया कितिया में मेरा ओ तेरा जोड़ा कम वीर मर्द का दुख सुख शामल और मतलब की हम मन के ओन कंगन मेरी जान के
गगन निरातर में रुख से काट लूं जो शादी का दुख से गगन मेरो दिल में रुख से काट लूं जो शादी का दुख से अपने मुख से बुरी बात ले इमरे तक दिशेदार काख ले जो पति के मुख मां चीज राख ले ले औरत की पहचान से ओन कंगन मिल जान से छाती के मैदान खोले गठी बटी चुनाव तो ले छाती के मैदान खोले बोला के सुंदरता डरता मन तेरी बुझ बिना ना सुरता ओ काल न सोच पति पर पल समझी न भगवान को ओ छन कंगन मिल जान को लखनी कंकन धरते में दुख काटूंगी हिर फिर के लखनी कंकन धरते में दुख काटूंगी हिर फिर के कनकांगण में किए चाटूंगी गणपति वरता मैं दुख बांटूंगी कि जाने मांग ले नहीं नाचूंगी ओ इस काटे मान दे ओ कनकांगण मेरे जान दे बिना बोली की से झुकाते बाल मके मन तन की उपास चाहे देख लिया की तेजा कल कनकांगण मेरे जान दे ओ कनकांगण मेरे जान दे कलंगी छन कंगन ले जा और शहर में बेचा एक बिस्तरा लिए कुछ बर्तन भांडे लिए खान पीन ले आइए और तू भी नहा धोकर बाल बूल बनवाकर जेंटलमैन बनकर फिर मेरे पास आइए। कलंगा जी बहुत अच्छा, अब लेकर छन कंगन चलता है। उस लड़के ने नहीं मालूम कौन लेकर के बात करेगा, ये 2,25,000 की कीमत का वो छन कंगन था। ये कदम ते हिरदा सर हाला ए माल कतन के दुख दंगा छन कंगन मेरे देशन कला किसे कोसे मर जाया हो रे कदम ते हीरे दासर हाला ये माल कतन के दुख दंगा छन कंगन मेरे बेचन कला किसे कोसे मर जाया गरीब की लीजियो रजो मांगो दाम सोए दीजियो यू बोला रजो मांगो दाम सोए दीजियो रे छन कंगन था भाइयो रे चीजे आने मोली किसे किसे मेरे कीमत कोली जोरी बनाते बोले से बोली पूरे रतन माया हो रे एर
तेरे दुख तो तू मैं पा जागा ते मेरी मालक राख दे साके मुँह बोला मेरी मालक राख दे साके तेरे बात नहीं सुने आशी थंगा थंगा सवा लाख रुपया ओ नहीं थंगा थंगा माधोपुर में गोरी रहंगा थाले ये पाया मैं जमा करा के चला चारानी का ब्याज चढ़ा के मैं बोला चला चारानी का ब्याज चढ़ा के तेरे निधारे फिरा के चोलिया नई बना है जम से का हया सुख कमाई कर जी के तू भाई दई रे कुमाई तेरे उल्ला तारे खाया लक्ष्मी चंद जानी दसा के चला सब चीजा का मोल चुका के मैं बोला चला सब चीजा का मोल चुका के तेरे कुटी मैया के धोरे कर दिया तन दिन तेरे सुपरत कर दिया तन गोरी मेरे बद मर शेर दिया आनंद होगी कायम एक दम ते ही रे का सर हंगाए मालिक तन के दुख दंगाया कन कंगन मेरे बेचन चला पीछे को से मर जाय अच्छा अब वो लड़का उस दो बिलाल बनिए कर धन कंगन ले जाकर जिसको लकड़ी दे रहा कर कलंगा रहा आज यू कहाँ से जाया कलंगा यार इसकी कीमत दे दे कि इसकी कीमत मेरे पास नहीं है आज भी कीमत मिलेगी आपको वो आज भी क्यों कुछ बर्तन ले जा कुछ भांडे ले जा कुछ कपड़े ले जा कुछ खान पीन ले जा बाकी जो तेरे पैसे बचे वो चारने के शाप तो वापस जमा करवा दे यहाँ पर अब उसका नाम लो बिलाल था उस धन कंगन देखा फिर लो मार गया उन्ना सोची चलो भाई वो खुदी क्यों मरे कल दे जो कुछ तुम लेना ये पांच सात दस चक्कर सामान के करे और जाकर बिन्ना के सुपरत कर दिया अब बिन्ना कहती है महाराज कहाँ लकड़ी लाते खाते खाना तैयार करूं अब वो चंदन की लकड़ी ले आया चंदन की लकड़ी लाकर उसके सामने गेदी कर लेंगे रोटी पकाने की नहीं होंगी कोई और लकड़ी लिया अब पका मत मैंने नहीं पता जो उसने करना कर ले अब लड़की रोटी पका खुआ कर सुहा दिया सवेरे उसके बोली महाराज तू लकड़ी लिया और मैं तेरे खातिर खाना तैयार कर दी अब अच्छा जी अब चंदन की लकड़ी से बनिए का वो घेरा करा था अपनी बांध का रोटी और उसके पास आ जाता है कुटी की जड़ में घेर कर उस लड़की समझदार थी रोटी पानी खुआ कर नहीं महाराज क्या बागेरे लकड़ी ये अगर बाबू का मैंने नहीं पता अकोर या तो वो दो आने का पैसे दे दे या दो रोटी दे दे कलंग कितने दिन हो गए तुम लकड़ी एक दिन अब छह साल हज तेरा बेड़ा गर्क हो जा तेरा तन तो लाखापति कर दिया आज दो आने का पैसे ना लिए ना दो रोटी लिए अकोर छह साल का शाम मांग लिए अब वो लड़का बालक था दिल का ख्याल आकर कलंगा वो बनिया बदमाश है तुम्हें जान तमार देगा और बेच कर एक पास रोन लग गया कलंगा भगवान मेरे बस की बात नहीं है शाम मांगना अपने आताश से तू ही मार दे मन दूसरे पर भी क्यों मरवावा है लड़की बोली अच्छा लड़की ने दिल में हिसाब लगा ये बालक है डर गया बेचारा इसकी मदद करनी चाहिए अब कुछ अब वो उसकी जनानी औरत उसके सामने अपने मालिक के सामने क्या कहती है फिर
हाँ बोली दुनियादारी के झगड़े ने देखे झोया ना करती बेटी जाने दौड़े वो बाल में रोया न करते दुनियादारी के झगड़े में रोया न करती बेटी जाने दौड़े वो बाल में रोया न करते का पड़ जा तेरा पिया में कहने पुगा दू तेरा यू बोलिया जब वो कहने पुगा दू तेरा और शेष काट ले मेरा वो गम है होया न करती बेटी जन दौड़ बल में रोया न करते क्यों ओरा से परेशान आज तू मेरी बात ले माने यूं बोली आज तू मेरी बात ले माने और मैं हाजर कर दू जान भक्त ने खोया न करती बेटी जन गौरव बल ने रोया न करते कर राशि बड़ी बाजी अपने मन में हो जा राजी यू बोली अपने मन में हो जा राजी और मैं लाजू जान की बाजी जितता में सोया न करती बेटी जन गौरव बाल में रोया न करती खोन हाजिर से त्री दीर मेरे बिन कौन बंदा वै तीर यू बोली मेरे बिन कौन बंदा वै तीर अरे ना मारी तक दीर ठिकाने और हटोया न करती देखी जन तोरे बल में रोया न करती दुनियादारी के झगड़े में रोया न करती देखी जन तोरे बल में रोया न करती कहने जी महाराज कहा तू लकड़ी लेकर चाल और तेरे मैं तेरे पीछे मर्दाना लिबास से कही आई और घबराने की कोई जरूरत नहीं करेंगे ओ बेवकूफ कद काम करी मैंने मरवा दे तू अगर नहीं नहीं परवाह ना करे तू मेरा मालिक है मैं तेरी औरत हूँ घबराता क्यों है तो लकड़ी लेकर चाल और मैं तेरे पीछे मर्दाना लिबास से कह अब फटाफट आती हूँ अब उसको लकड़ी ठुआ देती है और वो लड़का तेरे का लकड़ी चलता है और रास्ते में कुदरत का इशारा होता है और सियाणे आदमी कहते हैं कि 12 साल में कुल्डी के भी भाग जाग जाते हैं तो उसका तकदीर सामने आता है और क्या मामला गुजरता रास्ते में तेरे दजे फूल जड़ी ने भाई राई टोली तेरे मादो पूर चाले पड़ा तजी फूल जड़ी में हराई टोली मादो पूर चाले पड़ा हर दिन
मृग दुखारी तरज बाई दिशियरता दे फरज मुगुल्ला बाई दिशियरता दे फरज हिर गरज पड़ी न पड़ी गोली छोड़े की करम काल परमा सती फूल करिए हराई तोली यादो पूरन काल परमा डांग दूसरा होवन लिखी नर में कसक कौन मुगुला लिखी ने में कसक कौन हिर सौन चिड़ी कर तोली रत करो हर चाल पड़ा लक्ष्मी की तम लगी पारस स्तरिया की बहुत ठरे बारस बोला स्तरिया की बहुत ठरे बारस हिर सारस जोटे खड़ी बाई बोली तजे करो डर चाल परमा तभी फूल झड़ी लक्ष्मी चंद्र तो जगदीश बुरे आदमी की मत करियो पारी पे बोला रे बुरे आदमी की मत करियो पारी पे हेरा कह दी से धरी कम तिरा तोली उसे के वो घर में काल पड़ा तभी फूल धरी में हराई तोली मादो पूरे काल पड़ा। अब वो लड़का लकड़ी देकर उसको गुलाल बनिए के चला जाता है और जाकर लकड़ी जोड़ दी उसमें और उस बनियन को आने के पैसे ठोंक दिए। कहना हो भाई कहा आज इन इसी जगह रख ले जहाँ आवाज नहीं लगे। अब वो बनिया बहुत उत्साह था कलंगा रब इंश्योर और तत्रे में कोई दूसरा बोल गया कलंगा छह साल का हिसाब रख दे मेरा। अब उनका आपस में झगड़ा पड़ जाता है बहुत सी पब्लिक इकट्ठी हो जाती वहां पर छोटे बड़े आदमी और वो लड़की मर्दाना लिबास करके और फटाफट बंबई का सेठ बनके और शहर मार जाती है। अब उस लड़की ने दान करा भाई मैंने चंदन की लकड़ियां की जरूरत है तो कोई लाख मन हो दो लाख मन हो कितनी भी हो और किसी भी हो। एक आदमी कर लगा भाई एक लोभी लाल बनी है उसका एक लकड़ी आ रहा लड़का दोनों टाइम लकड़ी दे रहा है छह साल हो गए उसने देखते में कि उसको मिल जाए मिल जानी और किसी को नहीं मिलेंगी चलो फिर अब चलो। अब उस लड़की ने देख कर दूर से मर्दाने लिबास में अब वो लड़का कहता हो भाई या तो मेरा हिसाब दे देने साले का हिसाब मारूंगा पत्थर जिंदगी भर याद रखेगा। राजा तेरे कैसे बहुत देखे। अब बड़े बड़े आदमी कहते हैं क्यों भाई तुम्हारा क्या झगड़ा है। अब वो लड़का कहता साहब झगड़ा ये है कहूंगा मैं समझ लियो तुम। अच्छा भाई समझ लेंगे बता। अब उनके सामने क्या कहता है बोला रे मेरे दौरे पे वागोरी अरे मेरे दौरे पे वागोरी हेरा गरी शात मोह गई कैसे करावन खुद कद में गई दौरे पे वागोरी रे गरी शात मोह गई कैसे करावन खुद कद में गई हे
हूर कीमत 16 रुपए मन बताई, हूर नर चठिया फल खाई, नू बोला हूर नर चठिया फल खाई, रे मेरे मर्ज के दवाई रले को ना तुम गई, कैसे ला करावण सिद्ध तन चाट में गई। अरे यू लाला जी के क्या करता तेला जी, हमने कैसे परेशी में खेल, यू बोला जी हमने कैसे परेशी में खेल, फिर कड़वे बोला जी से लसबोन गात मुगली, कैसे ला करावन खुद पान चाट में गई। और बात नहीं से थोड़ी मारी उसकी रसा रस के सी जोड़ी, यू बोला मारी उसकी रसा रस के सी जोड़ी, फिर कह चालन सी घोड़ी चढ़ के फिर बरात मंगी, कैसे लगा खुद कात में गई। बहुत शाने कावन चीरी से बुरे आदमी की मत करियो परिंत, मु बोला रे बुरे आदमी की मत करियो परिंत, और कह लक्ष्मी चंद की नीत और रघुनाथ मंगली, कैसे ला करावन खुद कान चाट में गई। गोरे करा गोरी रगनी चाट में गई, चला करामन खुद पान चाट में गई। अब सैने सैने आदमी कहते भाई सेठ बोला जी इस लड़के का हिसाब करते, अरे जाओ जाओ थारे कैसे जेंटलमैन बहुत देखे हो ना, अगर मान जा के नहीं। अब वो लड़की कहती है कि भाई सेठ गरीब आदमी बेचारा का इसका हिसाब कर दे, ऐसा जुलम नहीं करा कर दे। ना ओ तेरे किसी जेंटलमैन ने पुल्ले पर सापा बांधे बहुत देखे मन, ऐसा ऐसा काम मैं नहीं सुना करता। अब वो सेठ किसी की काबू में नहीं आवे। अब लड़की ने हिसाब लगा दिल में, जब तक वो अपना पता निशान नहीं देवेगी, जब तक इसने एक पैसा नहीं देगी।